जायजा लिया, क्या कुछ तैयारियां हैं रांची से लेकर चाईबासा तक? रांची में भी और चाईबासा में भी वरीय पदाधिकारी और उसके अलावा सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त हैं, और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास हैं उन सभी को कोलेक्ट करके सभी को दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई जिससे कि ये जो विजिट है बड़े अच्छे तरीके से। कितने बजे का अराइवल है और कल का डिपार्चर का टाइमिंग क्या है? वो तो हम लोग पब्लिक में। अच्छा, कल चाईबासा की अगर बात करें तो चाईबासा में क्या कुछ सुरक्षा का इंतज़ाम किए गए हैं? चाईबासा चूँकि झारखंड में चाईबासा शहर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूँकि चाईबासा एक नक्सल प्रभावित जिला है इसलिए वहाँ विशेष व्यवस्थाएँ की गई है। सर, हेलीकॉप्टर लैंडिंग में कुछ समस्या आई थी आपकी? नहीं नहीं, वो दो हेलीपैड थे जी, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए था, एक हम लोगों के लिए था, तो दोनों में जो दोनों अगल बगल हैं तो जिस पर हमें उतरना था उसमें कन्फ्यूजन में, दोनों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी एक ही है, करीब करीब वो आसपास है, तो इसलिए वो गलत हेलीपैड पे उतरा, फिर सही हेलीपैड पे चला गया। नक्सलियों का लगातार आत्मसमर्पण सरेंडर पॉलिसी क्या कर रही है? अभी और होंगे, और भी होंगे, संकेत दे दीजिए सर, कितनी संख्या कब तक होगा? ये बोलने से तो फिर बात ही 2022 का अपेक्षा क्या 2023 की जो शुरुआत हुई थी तो माना जाए कि 2023 नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस जैसे मैंने कहा कि और भी आत्मसमर्पण होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।